दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा शुरू किए गए संजीवनी क्लिनिक को शिवराज सरकार अपग्रेड करने जा रही है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक शुरू किया गया है। कमलनाथ सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों की घनी आबादी और झुंगी बस्तियों के बीच दिसंबर 2019 में संजीवनी क्लिनिक की शुरुआत की गई थी। इनमें एक मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग कर प्राइमरी ट्रीटमेंट की सुविधा शुरू की गई थी। प्रदेश का यह पॉलीक्लिनिक औद्योगिक क्षेत्र के बीच शुरू किया गया है, जहां बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र होने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है, ऐसे में मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने प्रदेश के पहले सीएम संजीवनी पॉलीक्लिनिक का उद्घाटन किया। इस पॉलीक्लिनिक में अब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनकोलॉजिस्ट और मेडिसिन एक्सपर्ट भी उपलब्ध रहेंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, भोपाल शहर में 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक शुरू किए जाएंगे। पॉलीक्लिनिक में बीमारियों की जांच और दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। हाल ही में कैबिनेट ने 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएं शुरू करने की मंजूरी दी है। प्रदेश भर में 190 संजीवनी पॉलीक्लिनिक शुरू किए जाएंगे। प्रदेश के इस प्रथम मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक में नियमित चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ विशेषज्ञों की सेवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। दूसरे मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक की तरह इसमें फ्री पैथोलॉजिकल जांचें, दवाएं भी उपलब्ध रहेंगी। इस संजीवनी पॉलीक्लिनिक में शिशु रोग, स्त्री रोग, दंत चिकित्सक एवं आयुष डॉक्टर की सेवाएं भी नियमित तौर पर उपलब्ध रहेंगी, जबकि त्वचा रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ तथा फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं नियत दिनों में उपलब्ध रहेंगी। इस पॉलीक्लिनिक में एक वेलनेस सेंटर भी स्थापित किया गया है, जो नियमित तौर पर हितग्राहियों को उपलब्ध रहेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया, पूरे मध्य प्रदेश में 783 हेल्थ एवं वेलनेस केंद्र मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 172 पुरानी संस्थाएं अपग्रेड की जाएंगी। इसके अलावा 611 नई स्वास्थ्य संस्थाएं खोली जाएंगी। इन 783 क्लिनिक्स में से 190 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक होंगे। इसी तरह भोपाल में 97 हेल्थ में एवं वेलनेस केंद्र मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 40 पुरानी संस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा और 57 नई संस्थाएं खोली जाएंगी। इन 98 क्लिनिक्स में से 32 मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक होंगे। इस पॉलीक्लिनिक में संक्रामक बीमारियों की जांच व उपचार, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की जांच व इलाज, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण की सुविधाएं नियमित तौर पर उपलब्ध रहेंगी। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक का आज शुभारंभ यहाँ पर गोविंदपुरा में किया गया है। मध्य प्रदेश की ये पहली पॉलीक्लिनिक होगी और इस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग 783 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, पॉलीक्लिनिक और संजीवनी क्लिनिक हम लोग खोलेंगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भोपाल जिले में भी 98 हम लोगों की ये मुख्यमंत्री संजीवनी पॉलीक्लिनिक, संजीवनी क्लिनिक और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम लोग बनाएंगे, जिसमें स्पेशलिस्ट की सुविधाएं, जांचों की सुविधाएं और दवाइयां यहां पर उपलब्ध रहेंगी, जिससे नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती।